बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। होप सो ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिबा। आई एम मोहम्मद मदनी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन मैथमेटिक्स एट डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिबा। Let's start our math lecture number 14 of class 7. Chapter number 1 and the name of chapter is sets. Contents are identity property with respect to union, identity property with respect to intersection. Dear students, इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट टू पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस नॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑलरेडी नो दैट इन प्रीवियस नॉलेज वी हैव लर्न्ड द मेथड फॉर फाइंडिंग द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। नाउ वी डिस्कस देयर प्रॉपर्टीज, दैट इज identity property with respect to union and intersection. Identity property with respect to union. In sets, the empty set phi acts as identity for union. That is, A union phi is equal to A. Dear students, एक बात आप हमेशा याद रखें कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन में एम्प्टी सेट आइडेंटिटी के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी इससे क्या मुराद है कि अगर आपके पास कोई एक सेट ए दिया गया हो और उसका यूनियन आप एम्प्टी सेट के साथ लें तो आपके पास वही दिया गया सेट ए आ जाए तो इसे हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन का नाम देंगे। लेट सपोज अगर आपके पास एक और सेट बी दिया गया है, आप इसका यूनियन एम्प्टी सेट के साथ लेंगे तो आपके पास आंसर में सेट बी ही आएगा तो इसे हम क्या नाम देंगे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन का। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक और सेट सी दिया गया हो और हम उसका यूनियन एम्प्टी सेट के साथ लेंगे तो यकीनन हमारे पास क्या आंसर होगा, सेट सी ही होगा तो इसे हम क्या नाम देंगे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे क्या बात साबित हुई कि अगर हमारे पास कोई भी सेट दिया गया हो, अगर हम उसका यूनियन एम्प्टी सेट के साथ लेंगे तो यकीनन हमारे पास वही सेट आ जाएगा तो इसे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन का नाम देंगे। आइए इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एंड एग्जाम्पल इज If A is equal to A, E, I, O, U, then verify that A union phi is equal to A. यानी इसमें हम identity property with respect to union को प्रूफ करेंगे। And solution is A union phi is equal to A. Left hand side is equal to A union phi. Dear students, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जो क्या है, ए यूनियन फाई। इसमें सबसे पहले हम सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर एम्प्टी सेट को लिखेंगे। और आप एम्प्टी सेट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम एम्प्टी सेट का नाम देंगे। सो डियर स्टूडेंट, जब हम सेट ए के एलिमेंट्स का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर होगा, ए ई आई ओ यू, जो किसके एलिमेंट्स हैं, सेट ए के। और यही हमारा आंसर है, यानी के राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। इन सेट्स The universal set U acts as identity for intersection. That is,
A intersection U is equal to A. Dear students, एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन में यूनिवर्सल सेट U आइडेंटिटी के तौर पर लिया जाता है। यानी इससे क्या मुराद है कि आपके पास कोई एक सेट A दिया गया है, अगर आप उसका इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट U के साथ देंगे तो हमारे पास आंसर में वही सेट A आ जाएगा। तो इसे हम क्या नाम देंगे? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन का। फॉर एग्जाम्पल, if u is equal to a b c up to so on z and a is equal to a e I o u, then verify that a intersection u is equal to a। yani isme humne identity property with respect to intersection ko prove karna hai। solution is a intersection u is equal to a, left hand side that is A intersection U। Dear students, इसमें सबसे पहले सेट A के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और फिर यूनिवर्सल सेट U के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो हमारे पास सेट A और यूनिवर्सल सेट U का इंटरसेक्शन क्या होगा? A E I O U, यानी सेट A और यूनिवर्सल सेट U के कॉमन एलिमेंट्स का सेट। और ये किसके इक्वल होगा? सेट ए के, जो के राइट हैंड साइड है। और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज नंबर 1.4, क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ यू इज इक्वल टू ए बी सी अप टू सो ऑन जी, एस इज इक्वल टू ए ई आई O, U, and T is equal to X, Y, Z. Then verify that first part S union phi is equal to S. Second part is T intersection U is equal to T. Solution of first part is that is S union phi is equal to S. Left hand side is equal to S union phi. डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले सेट एस के एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर एम्प्टी सेट लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर होगा? ए ई आई ओ यू, जो कि सेट एस के एलिमेंट्स हैं, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट दैट इज T intersection U is equal to T. Left hand side is equal to T intersection U. Dear students, इसमें सबसे पहले set T के elements लिखेंगे और वो कौन से हैं? X, Y, Z. Intersection का sign लगाएंगे और फिर universal set U के elements लिखेंगे, जो A से लेकर Z तक दिए गए हैं। तो इन दोनों sets का intersection क्या होगा? X, Y और Z, because these are the common elements of set T and universal set U, which is equal to set T, and that is equal to right hand side. Hence prove left hand side is equal to right hand side. Question number 7 is, if U is equal to 0, 1, 2 up to so on 15, set L is equal to 5, 7, 9 up to so on 15 and set M is equal to 6, 8, 10, 12, 14. Then verify the identity properties with respect to union and intersection of sets. Solution: identity property with respect to union. Dear students, इस क्वेश्चन में हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन को वेरीफाई करना है, दैट इज ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। यानी अगर आपके पास एक सेट ए दिया गया है तो उसका यूनियन हम एम्प्टी सेट के साथ लेंगे तो हमारे पास आंसर में वही सेट ए आ जाएगा। और हम इसमें सेट ए का यूनियन
एम्प्टी सेट के साथ क्यों ले रहे हैं? बिकॉज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन में एम्प्टी सेट को आइडेंटिटी के तौर पर लिया जाता है। अब इस क्वेश्चन में हमें यूनिवर्सल सेट यू दिया गया है, इसके साथ दो और सेट सेट एल और सेट एम भी दिए गए हैं। तो इन दोनों सेट्स के लिए हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन को वेरीफाई करना है। यानी सेट एल के लिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन क्या बनेगी? एल यूनियन फाई इज इक्वल टू एल। और सेट एम के लिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन क्या बनेगी? एम यूनियन फाई इज इक्वल टू एम। सो एल यूनियन फाई इज इक्वल टू क्या होगा? सबसे पहले सेट एल के एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर एम्प्टी सेट लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर होगा? 5, 7, 9, up to 15, जो कि सेट एल के एलिमेंट्स दिए गए हैं और यही हमने प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट इज एम यूनियन फाई। इसमें सेट एम के एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर एम्प्टी सेट लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर होगा? 6, 8, 10, 12, 14, जो कि सेट एम के एलिमेंट दिए गए हैं और यही हमने प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब हम दिए गए सेट्स के लिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे। और हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन क्या थी? कि अगर आपके पास कोई एक सेट ए दिया गया है, अगर उसका इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यू के साथ लेंगे तो हमारे पास आंसर में वही सेट ए आ जाएगा। तो इसे हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन का नाम देंगे। दैट इज ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। और सेट एल के लिए यह प्रॉपर्टी क्या होगी? एल इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू एल। और सेट एम के लिए यह प्रॉपर्टी क्या होगी? एम इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू एम। अब हम इन दोनों पार्ट्स को वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज एल इंटरसेक्शन यू। इसमें सेट एल के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और फिर यूनिवर्सल सेट यू के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो हमारे पास सेट एल और यूनिवर्सल सेट यू का इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे? 5, 7, 9, up to 15, विच इज इक्वल टू सेट एल। और यही हमने प्रूफ करना था। हिंस प्रूव। सेकेंड पार्ट इज एम इंटरसेक्शन यू। इसमें सेट एम के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और फिर यूनिवर्सल सेट यू के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो हमारे पास सेट एम और यूनिवर्सल सेट यू के इंटरसेक्शन के तौर पर कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे? 6, 8, 10, 12, 14, विच इज इक्वल टू सेट एम, विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। हेंस प्रूव्ड। असाइनमेंट। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक असाइनमेंट दी जा रही है जिसे आप इस लेक्चर की मदद से इजीली सॉल्व कर सकेंगे। दैट इज इफ यू इज इक्वल टू 1, 2, 3, up to 20, सेट पी इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सेट क्यू इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, then verify the identity properties with respect to union and intersection of sets. Thank you.